पहला सवाल दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूँ, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2013-14 में कुल लंबाई थी? दो हजार 13-14 का पूछा है तो आज का आपको याद कर लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसका आंसर ये था, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है, तो इसका आंसर होगा मानसरोवर और चांद पोल के बीच। एक बात ध्यान रखना, ये 10 सवाल अभी पूछ रहा हूं, आपके कितने अंक बन रहे हैं 10 में से? 10 सवाल मैं फिर से पूछूंगा, उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपके कितने बनते हैं ये भी मुझे बताना। राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2013-14 में थी, तो आज का आपको याद कर लेना है। इसका आंसर होगा 191,694 किलोमीटर सभी प्रकार की। ऊपर क्वेश्चन था राष्ट्रीय राजमार्ग की। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? इसका आंसर होगा एक्सप्रेस वे। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? आंसर होगा 5,872। वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व था? आंसर होगा 57 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यह सड़कों का घनत्व था। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा चंबल। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है? आंसर होगा 2 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89। तो ये इसका आंसर होगा। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले में सीमित है? आंसर होगा 79A। प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 दिसंबर 2012। अब सारे सवाल तो मैं आपको नहीं पूछूंगा, दो चार सवाल मैं आपको इसमें से पूछ लेता हूं। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज एक बार, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये एक सरप्राइज टेस्ट है जो आपको अच्छी तरीके से, आपको पता होगा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पांचवा टेस्ट ये चल रहा है, पांचवा या छठा टेस्ट, ये पांचवा टेस्ट चल रहा है। ये इसका आंसर होगा मानसरोवर और चांद पोल। अभी मैंने ये आंसर बता दिया, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, और फिर आपको बताना है 10 का, और फिर आपको बताना है 9 का। मैं तब तक वेट कर लेता हूं, आपका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए 10 में से आपके कितने बने, पहले कितने बने, बाद में कितने बने। ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इनके आंसर आप बता दो। आंसर मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सारे के सारे आंसर आपको बता दिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपनी टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज ये अपना जरूर बताना। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक।